بسم الله الرحمن الرحيم. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे और अपने कामों में अच्छे से मसरूफ़ होंगे। मैं मोहम्मद जैफर जुल्फिकर अहमद और आपको वेलकम करता हूं तो अपने चैनल पाकिस्तान टूरिस्ट टीया भाई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के दरमियान वीडियो, जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि हमारा चैनल वीडियो बनाता है जो हम घर के ऊपर कौन कौन से टूल रखें और रखने चाहिए और इनका इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उनको किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जाने। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि चपक्का जिसे कहते हैं, यानी कि जिग्सा, उसका रिव्यू करना है। चपक्के को, जिग्सा को चपक्का भी कहते हैं, ज़्यादातर चपक्का ही कह के बुलाया जाता है। तो चलें इससे रिव्यू इसका शुरू करते हैं। ये आपके सामने हमारी वीडियो जो होती हैं वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ना परेशान मत हुआ करें क्योंकि डिटेल में बात करनी होती है। शॉर्ट में कोशिश तो फुल करता हूँ शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट में इतनी जल्दी बातें सारी क्लियर नहीं होती है। तो चलें भाई ये बात कर लेते हैं। ये है चपक्का और इसके बाकी औजार जो है वो निकाल लेते हैं, तो आपको सारी डिटेल बताई जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें भाई, ये एक जापान का चपक्का बना हुआ है, जापानी, ये एक यंग कंपनी का चपक्का है, जापानी, प्योर जापानी जिसे कहते हैं ना। ये मुझे लाहौर की कंटेनर मार्केट, जैसे आप बिलालगंज भी कहते हैं, दरोगे वाला भी कहते हैं, वहाँ से मैंने लिया था। ये जापानी चपक्का मुझे 4000 का मिला था, प्योर कॉपर वायरिंग में है। वो आपको नज़र आ भी रही होगी, ये कॉपर, प्योर कॉपर है ये, और बहुत वज़नी और अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। और इसके ऊपर उन्होंने हमें स्पीड कम ज़्यादा के लिए भी दिया हुआ है। तो भाई ये जिग्सा है, इसकी वाली बात कर लेते हैं, इसे सामने रख के, ये है क्या? तो जी भाई, ये लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं अगली वीडियो जो कोशिश करूँगा बनाऊँगा, लकड़ी काटने के लिए जो कटर होता है सर्कुलर सा, उसके ऊपर भी बनाऊँगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि भाई वो एक ख़तरनाक चीज़ है, सिर्फ उसका ब्लेड मुंह की तरफ भी निकला था, क्योंकि टेबल के नीचे लगा होता है। तो ये ज़रा सेफ चीज़ है, इसे आप जिस तरह मर्जी, जैसे मर्जी दिल करें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई इसके भी लेदर वाला भी आता है, इसके भी लेदर का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्योर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये लेदर का ऑप्शन इसके बीच नहीं है, क्योंकि ये लाट का है और जापानी चपक्का है। जो लाट का माल, उसके भी ऑप्शन कम ही रहते, लेदर वाले भी मिल रहे थे, लेकिन इसकी कीमत 4000 है। और अगर आप मार्केट से लें तो यही चपक्का आपको 18000 का मिलेगा, चाइना की कॉपी कह लें या ओरिजिनल कह लें। ओरिजिनल 18 का मिलेगा, चाइना की जो कॉपी होगी वो 6-7 हज़ार तक की मिल जाएगी, न्यू बिल्कुल डब्बा पैक। और वैसे भी कंपनी आती नहीं है, लेकिन ये प्योर चीज़ है, ओरिजिनल, तो बड़ा ही जिसे कहते हैं वलैती, वो चीज़ है। तो चलें इसकी पहले बात कर लेते हैं भाई। ये देखें, ये इसके बीच उन्होंने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से इसका ब्लेड डलता है। 6 इंच का ब्लेड होता है, 7 इंच का ब्लेड होता है, और ये एल्किस की मदद के साथ ये खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। ये देख सकते हैं एल्किस के साथ, ये इसका एक बटन दिया हुआ है जिसे हम दबाते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये भाई इसके ब्लेड होते हैं, ये आप देख सकते हैं चपक्के के ब्लेड रिफ्लेक्ट मार रहे हैं, कैमरे में सही तरह नज़र नहीं आ रहे। ये बोश कंपनी के ब्लेड हैं, ये देखें तकरीबन, मैं अपने हाथ पे रखूँ तो अंदाज़ा हो ही जाएगा आपको कि कितने हैं। ये 6 इंच के ब्लेड होते हैं, साथ इसकी एक हल्की आती है जिससे हम खोलते हैं, बंद करते हैं उसको। और ये एक ब्लेड्स का पैकेट भी उन्होंने दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये तो आम आपको ब्लेड का जो पैकेट है ये 250-300 तक का मिल जाएगा हर हार्डवेयर दुकान से। तो इसमें लोहे वाले, लकड़ी वाले और प्लास्टिक ओरिजिनल ब्लेड होते हैं, यानी हम चपक्के से हर किस्म का काम बआसानी ले सकते हैं। तो चलें भैया, अब आप इसको ज़रा चला के दिखाते हैं, लकड़ी काट के दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें भाई, सबसे पहले हम इसके ब्लेड फिट करते हैं, ब्लेड कैसे फिट किया जाता है ये देख रहे हैं। ये चाबी को मैंने लगाया हल्की के बीच, और ये इसको मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो खुलती जाएगी। तो इसको भी ऐसे खोल लेते हैं, ये लें, वो तो नट ही नीचे गिर गया। तो ये लें भाई, ये देखें, इसके आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये कट है, यानी कि अब आपको मैं ब्लेड लगा के दिखाऊं, तो ये इसका जो ब्लेड है ये वाला, इसका जो ये निशान है बस हमने यहाँ तक लगाना होता है, ये निशान तक, ये देखें, ये इसके बीच चला चुका है।
ये आप देख सकते हैं कि ये निशान तक रहना है, और उसके ऊपर हम ये ले आएंगे इसका, ये देखें ये बिल्कुल आ गया है इसके मुंह के ऊपर, ये देख सकते हैं आप, ये देखें। और अब इसे हम टाइट कर देते हैं ताकि हमारा ब्लेड बाहर ना निकले। तो लो व्यूवर, ये हमारा ब्लेड है बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो चलें आपको इसको चला के दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है और कैसे लकड़ी काटता है। तो लें व्यूवर जी, हमारा चल सके, ये देख सकते हैं ये चलने लगा है। ये देखिए ऐसे फ्लाई मशीन की तरह ये चलता है, फ्लाई मशीन की तरह। ये भी स्पीड इसकी स्लो है, तेज़ करते हैं इसका ऐसा का। तो चलें व्यूवर, आपको लकड़ी काट के दिखाते हैं कि कैसे काटता है। तो आप देखते रहिएगा वीडियो और हमारे साथ रहिएगा। तो देख सकते हैं व्यूअर्स, उन्हें विद इन सेकंड के भी लकड़ी काटती है, क्योंकि ये ऐसे चलता है। ये आप देखेंगे अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है और क्या ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसे देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट के जरिए हम आप तक मज़ीद मालूमात वाली वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया।